नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा लगभग टल गया है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि तीसरी लहर दिसंबर तक आ सकती है। इसके बावजूद महाराष्ट्र ग्रामीण इलाकों में पहली से चौथी कक्षा और शहरी इलाकों में पहली से सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है। चाइल्ड टास्क फोर्स ने कैबिनेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। स्कूल शुरू होने पर भी छात्रों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। नियम पालन करवाने की पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर होगी। सभी शिक्षकों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर को योजना बनानी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, आयुक्त नगर निगम, मुख्य अधिकारी नगर परिषद और शिक्षा अधिकारी जिला कलेक्टर के साथ मिलकर इस संबंध में काम और कार्यवाही करेंगे। भीड़ से बचने के लिए छात्रों के माता पिताओं को स्कूल परिसर में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इंडिया'स फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।